आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करेज, मतलब साहस। ओशो ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा है करेज इज़ अ लव अफेयर विद द अननोन, विद द अननोन। अक्सर ये अननोन ही तो है जहाँ फंस जाते हैं, जहाँ परेशान होते हैं हम। हमें समझ में नहीं आता कि हम इतना डरते क्यों हैं इस अननोन से, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ से, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में बड़ा ही खूबसूरत लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि जब जब संकट आएगा तब तब उसे झेलने की, उसे पार करने की क्षमता, शक्ति स्वयं हमारे अंदर उत्पन्न होगी। ये बहुत बड़ी बात है अगर इंसान समझे इस बात को कि जैसे कोई परेशानी आती है वो शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, बस हमें उस शक्ति को उत्पन्न होने देना है। हम अपने डर की वजह से वो शक्ति को भी नीचे धकेलते जाते हैं, उसे नीचे नहीं धकेलना है, उसे ऊपर आने देना है। सो स्टॉप Getting scared of the future. Unknown is beautiful. Acting में कहते हैं, पता नहीं शायद भी बात समझ में आएगी कि नहीं। Everything magical happens in that unpredictability of the moment. So while somebody is performing, for any performing artist, everything magical is happening during that unpredictable moment. जब उसने कुछ plan नहीं किया, जब कुछ सोचा नहीं और कुछ अलग ही हो गया है। That's how life is. आप बहुत सारे plans बनाएंगे, बहुत सारे dreams होंगे, बहुत सारे ख्वाब होंगे, लेकिन होगा वही जो ऊपर वाला चाहता है, आप कुछ भी कर लें। तो हर चीज़ जो हो रही है ज़िंदगी में, वैसे भी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रही है। अगर आपके मुताबिक नहीं हुआ तो प्लीज़ उसे सीख लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़े। सब उसमें अटकना नहीं है और डरना नहीं है अननोन से। करेज इज़ द लव अफेयर विद द अननोन। द मोमेंट यू हग द अननोन, द मोमेंट यू स्प्रेड वार्म्थ विद द अननोन, द मोमेंट यू शेक हैंड्स विद द अननोन, ट्रस्ट मी, अननोन बिकम्स ब्यूटिफुल, मैजिकल एंड वंडरफुल, बिकॉज देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द अननोन एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट अननोन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। वी शेयर, वी ग्रो।